नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आप ही के अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो हमारे सीटेट दिसंबर 2019 का एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 6 का पाठ नंबर 2 रहेगा, जिस पाठ का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, आज इसमें जो है मेन मेन जो टॉपिक है जो आपको एग्जाम दृष्टि से उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, हम इस पूरे पाठ को एक साथ में पढ़कर एग्जाम दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आप वीडियो देखिए पूरा, जिससे आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। दोस्तों, बीच में मत छोड़ के जाइए, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो व्यूज़ जो कम आते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। दोस्तों, मोटिवेशन के कारण मैं इन वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता हूँ। इसलिए दोस्तों, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत प्यार और मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए पूरा, जिससे आपको नॉलेज मिले। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबाने पर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है। हम जो है स्टार्टिंग जो है करेंगे यहाँ से। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले जो बात कही गई है, एक पॉइंट आया आखेटक या खाद्य संग्रहक। एक नाम आया आखेटक या खाद्य संग्रहक, यानी खाद्य आखेटक या खाद्य संग्रहक किसे कहते थे? भोजन का इंतजाम करने के आधार पर, यानी जो लोग जंगली जानवरों का शिकार करके मछलियाँ चिड़िया पकड़कर फल मूल दाने पौधे आकर इकट्ठा करते थे, उनको कहा गया था आखेटक या खाद्य संग्रहक। यानी जो व्यक्ति खाने के लिए जंगली जानवरों मछलियों चिड़िया पकड़ते थे या कंद मूल फल दाने पेड़ पौधे खाते थे, वो आखेटक या खाद्य संग्रह कहलाते थे। अब देखिए, दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो जो रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो है चार कारण खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। इसके प्रमुख चार कारण थे। पहला कारण था, एक स्थान पर अगर वह अधिक दिनों तक रह जाते तो वहाँ के सारे पेड़ पौधे जानवर खाते थे, इसलिए दूसरे जगह जाते थे। दूसरा कारण यह रहता था कि जो भी जानवर होते थे, वो हिरण होते थे, वो घास या चारा ढूंढने के लिए दूसरे स्थान पर जाते थे, इसलिए वो भी दूसरे स्थान पर जाते थे। तीसरा कारण रहता था पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में, इसलिए वो अलग अलग मौसम से घूमते थे। चौथा कारण उनका यह था कि पानी के बिना कोई भी पेड़ पौधे नहीं, इसलिए वो पानी के किनारे जाते थे। तो ये चार कारणों से वो घूमते थे। उसके बाद आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव की जो जानकारी है दोस्तों, वो मिलती है पत्थरों लकड़ियों हड्डियों के बने उनके औजारों से। वो पुरातत्व विभाग खोजता रहता है इन औजारों को। देखिए, अब देखिए यहाँ पर दो औजार दिखाए गए हैं, आप देखते हैं एक ये बाएँ से जो है इंसान के खाने योग्य जड़ को खोदने के लिए, यानी ये जो है इसको ये जो है जड़ खोदने के लिए था, और दाएँ जो है वो जानवर की खाल से बने वस्त्र सिलने की। यहाँ से देखिए, ये जानवर की बने खाल से वस्त्र सिलने, ये वस्त्र सिलने वाला, और ये था खाने योग्य जो जड़ वगैरह है उसके लिए इसका उपयोग करते थे। आगे देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखिए, लाल त्रिकोण वाली वेबसल है जहाँ पर खाद्य आकर्षण रहने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर खाद्य आकर्षण मात्र में से गिने चुने। अब देखिए यहाँ पर लाल त्रिकोण, अब लाल त्रिकोण आप देखोगे तो एक तो ये रहा भीम बेट का, एक ये रहा हांसू की, एक इसके नीचे है कुरनाल गुफा, यानी थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। अब देखिए, जो नीचे नाम लिखा है पूरा पाषाणिक स्थल, यानी भीम बेट का, हुसांगी, कुरनाल गुफा, ये तीनों जो है ये खाद्य आखेटक संग्रहक हैं, उनके निवास हुआ करते थे। दोस्तों, भीम बेट का एक गुफा है, हुसांगी और कुरनाल गुफा। इसके अलावा नक्शे की हम बात करें तो नव पाषाणिक स्थल, यानी जो हरी डॉट किए गए हैं, जैसे चिरांद है, दाऊजली हिंडिंग है, कोलीडवा है, महारगढ़ है, ये सब जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो हम कुछ महापाषाणिक पुरास्थल भी दे रखे हैं जिनको अंडरलाइन, जैसे ब्रह्मगिरी है, आदिचनेल्लूर है, और कुछ ऐसे स्टार वाले जो आरंभिक गांव हैं और आधुनिक नगर है, जैसे मुंबई है, इनको कोलकाता है, इनको स्टार दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पत्थर के उपकरण भी बहुत महत्वपूर्ण। ये भीमगेट के बारे में दिखा कि इस पूरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली है, लोग इन्हें गुफाओं में रहते थे, यहाँ पर बारिश धूप से रवा मिलती थी। ये गुफा नर्मदा घाटी के पास, यानी मध्य प्रदेश में है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है भीमगेट का गुफा। आपको ध्यान रखना है कि भीमगेट का ये गुफा कहाँ पर है दोस्तों, भीमगेट का ये गुफा है MP में, और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है भीमगेट का की गुफा, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी ये जो गुफाएं हैं वो लगभग आपको देखिए यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में
ये शैल चित्र मिले हैं। ऊपर वाला जो शैल चित्र है ये दक्षिणी या मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में मिले हैं। आगे हम जो बात करते हैं पुरास्थल की, अब देखिए पुरास्थल को पढ़ना है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन इमारतों जैसे अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं के निर्माण में लोग काम लिख किया था, बाद में वे अन्य छोड़ के जो जमीन के ऊपर अंदर कभी समुद्र नदी में, इन पुरास्थलों को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यानी उस स्थान को पुरास्थल जहाँ पर औजार बर्तन इमारतें जैसे वस्तु मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने किया और बाद में वो उन्हें छोड़कर चले गए। ठीक है, आग की खोज, जैसे आग की खोज कुणाल गुफा हमने देखी थी वहाँ पर राख के अवशेष मिले थे। यानी प्रश्न ये बनता है कि राख के अवशेष किस गुफा से मिले, तो राख के अवशेष मिले थे दोस्तों कुणाल गुफा से। ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं वह आग जलाना सीख गए थे। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे हमारा पॉइंट है बदलती जलवायु। यानी 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आए थे और जो जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ गई थी और वह घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ऐसे उनका शिकार करते थे। अब देखिए दोस्तों खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है, खेती और पशुपालन की शुरुआत होगी तो यहाँ पर जो है कुछ लोग ये मुख्य जो अनाज है वो देर का गेहूँ जो धान ये जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी इनको उगाया नहीं था, उगने लगे थे और धीरे धीरे जो आखेट संग्रह थे वो कृषक बन गए थे। उसके बाद एक प्रक्रिया यहाँ पर आती है बसने की प्रक्रिया, यानी लोगों द्वारा पौधे उगाने जानवर देखभाल करने बसने प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपना है कि पौधों अक्सर जंगली पौधे भी हैं, इसकी वजह से बसने प्रक्रिया में पौधे या जानवर होते हैं। इसी प्रकार जो सबसे पहले कुत्ते को ही यहाँ पर फालतू पशु बनाया गया, यानी कुत्ता जो है इनका फालतू पशु था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप जो देखोगे यहाँ पर अनाज के रूप में जो जो काम में ली जाती थी वो प्रक्रिया पूरी जो है हमारे वो जो प्रक्रिया है बीज के रूप में, खाद के रूप में, भंडारण के रूप में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और टोकरियाँ भी मिली है, चलते फिरते खाद्य भंडार जिनमें जानवर जो बच्चे साथ दून प्राप्त होते भोजन का एक अच्छा स्रोत था, यही नहीं जानवरों से मांस भी मिलता था, भंडारण का तरीका था। कृषि और पशुपालकों के बारे में जो बात करें, यहाँ पुरातत्व बताया कि कृषि और पशुपालन साक्ष्य मिले हैं जो कश्मीर पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ स्थायी जीवन के अंदर जो है बुर्ज होम जो कश्मीर में वहाँ पर ऐसे निवास मिले जिनको गर्तवास कहा जाता है। इसके अलावा हम जो बात करें यहाँ पर कई औजार मिले, इसमें से एक मुख्य है ऊखड़े और मूसल जिनका उपयोग अनाज पीसने और वर्तमान में भी इनका उपयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा जो है हम और बात करें तो एक मटका भी मिला है नवपाषाण स्थल का। इसके अलावा मेहरगढ़ में जो है जीवन मृत्यु के साक्ष्य मिले, यहाँ पर जानवर हड्डियाँ मिली है, हिरण सुअर इनकी, ये मेहरगढ़ का एक घर दिखाया गया दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो ये फ्रांस की गुफा चित्रकारी है और नवीन पाषाणिक स्थल है। अब देखो दोस्तों मैं जो है आपको जो पाषाणिक स्थल है इनके बारे में मैंने आपको आज जो है डिटेल से बता दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और वीडियो के अंत में मैं आपको तिथियाँ बता देता हूँ। ये तिथियाँ दी हुई मध्य पाषाण युग की 12,000 से 21,000, 10,000 बसने प्रक्रिया 12,000 से पहले, नवपाषाण युग 10,000 से पहले, मेहरगढ़ की बस्ती है 8,000 से पहले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आए और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम तीसरा पार्ट जो है जल्द ही लेके आएंगे और वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल घंटी दबाना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों।